दुनिया भर में कोरोना वायरस से 24,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। यह महामारी अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुकी है। पूरी दुनिया इस महामारी के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। दुनिया भर में करोड़ों लोग घर बैठ इस महामारी से लड़ रहे हैं। खेल जगत भी पूरी तरह थम सा गया है। इस महामारी से लड़ने के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े खिलाड़ी करोड़ों रुपए डोनेट कर रहे हैं। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक तकरीबन 13 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। मैसी ने 8.5 करोड़। टेनिस के दिग्गज रॉजर फेडरर ने करीब 7 करोड़ की राशि इस महामारी से निपटने के लिए दान दी। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने तकरीबन 50 लाख रुपए दान किए। पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी सड़कों पर उतरकर लोगों को खाने का सामान और जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सरकार को डोनेशन के लिए दे रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी पुणे स्थित एक एनजीओ को 12.5 लाख पूरे करने के लिए 1 लाख रुपए दान में दिए, जिसके बाद फैंस उन पर भड़क गए कि धोनी ने केवल 1 लाख रुपए दान दिए। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है, जिसका खंडन खुद उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने भी ट्वीट करके किया। खबरों की माने तो धोनी ने ये रकम सिर्फ इसलिए दी ताकि 12.5 लाख रुपए पूरे हो सके। वैसे महेंद्र सिंह धोनी हमेशा उन हस्तियों में शामिल होते हैं जो किसी भी आपदा में डोनेशन की रकम सामने नहीं आने देते। वह हमेशा से ही गुप्त दान में भरोसा करते हैं। अब कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए धोनी ने कितना दान दिया है, यह सिर्फ धोनी ही जानते हैं।